कि तू अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। कि तू अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। और जिसके दम पे तू चलता है ना, मैं उसका भी बाप हूँ। तो गाइस, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको एक फोटो की जरूरत पड़ेगा। और उस फोटो का दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से PNG निकाल लेना है। अगर दोस्तों फोटो का आपको PNG निकालना नहीं आता है तो मैंने आई बटन पुश वाले वीडियो का लिंक देके रखा है, जिस वीडियो को देख के दोस्तों आप अपनी फोटो का PNG निकाल सकते हो। या फिर मैं इसी वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देकर दे दूंगा, आप जाके दोस्तों उस वाले वीडियो को देख के आप अपने फोटो का PNG निकाल लीजिएगा। अब आपको जो नीचे में यहाँ पर प्लस का एक मार्क दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले प्लस मार्क में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको 16:9 एक्सपेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी होगी। अब आपको राइट साइड में जो एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस सबसे पहले आप एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मेरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड के ड्यूरेशन को बढ़ा के कुछ इस तरह से गाइस आप 10 सेकंड के लिए आप कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 सेकंड के लिए कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना है। आने के बाद गाइस आपको जो राइट साइड में यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस जो अपना फोटो का PNG निकाल ले हो उस वाले फोटो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाले फोटो को कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इस जगह पर आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करनी होगी, इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। कुछ इस प्रकार से कर देने के बाद आपको जो ये 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिएगा। और उस वाले डुप्लीकेट को दोस्तों पकड़ के कुछ इस तरह से गाइस आप यहाँ पे लाइएगा। लाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर देनी होगी। कुछ इस प्रकार से कर देने के बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर अल्फा यानी ओपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इसमें क्लिक करना है। और कुछ इस तरह से आप यहाँ पे 50% पर आप इसको कर दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से मैं यहाँ पर किया हूँ, सेम टू सेम आप कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपका जो ये व्हाइट बैकग्राउंड है इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 2 आएगा, देख सकते 2 सेकंड मेरा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर में सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले सीजर में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपना जो बैकग्राउंड इसको डिवाइड कर दूंगा। इसके गाइस आपको क्या करना, 2 सेकंड पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैंने 2 सेकंड के लिए कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कर दिया है। अब दोस्तों आपको जो फर्स्ट बैकग्राउंड है उसमें क्लिक करना है। और गाइस आपको ये बॉक्स दिख रहा हो बक्सा टाइप का, आपको इसमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप गेट मोर में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस आपको देख सकते हैं लाइट स्लाइडर का आपको एक फिल्टर दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सिलेक्शन करके कुछ इस तरह का इफेक्ट होगा। अब गाइस आपको जो सेकंड व्हाइट बैकग्राउंड है उसमें क्लिक करना है, इसमें भी गाइस आपको इसी वाले बक्से में क्लिक करना है, फिर से आपको इसी वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। यहाँ से गाइस आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे सिलेक्शन करते हुए चले जानी है, हर आपका जो बैकग्राउंड है हर बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे बैकग्राउंड थे उन सारे बैकग्राउंड में गाइस मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद गाइस आप इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने एक टेस्ट का PNG देके रखा है, आपको उस वाले टेस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना है। और यहाँ से गाइस आपको उस वाले टेस्ट का PNG को आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे जो टेक्स्ट का PNG उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब कुछ इस तरह से गाइस आप इस चीज़ को आपको यहाँ पे लाइएगा। कुछ इस प्रकार से लाने के बाद इसका ड्यूरेशन को आपको वीडियो के एंड तक कर देनी होगी। कुछ इस तरह से कर देने के बाद आपको जो यहाँ पे इन एनिमेशन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इस पर इन एनिमेशन में क्लिक करना है। और यहाँ पर गाइस आप देखते हैं स्लाइड आपका ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह से आप यहाँ पर 2 पे आप कर दीजिएगा। इस तरह से गाइस अब अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। इस तरह से गाइस आपका जो स्टेप 1 का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको दोस्तों इस वाले शेयर में क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको अपना फाइल को एक बार एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो मेरा फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब तो सीधा बैक करके आप बाहर आ जाइएगा।
आने के बाद गाइस फिर से आपको इसी बार न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना होगा, 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका गैलरी को ओपन कीजिएगा। और यहाँ से गाइस आपको इस वाले मीडिया पे क्लिक करके जो फाइल आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए हो उस वाले फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे जो मेरा फाइल है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको उसी फाइल में क्लिक करना है और सेम आपको देख सकते हैं क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन है, आपको इसमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस आपको देख सकते हैं फोटो, आपको इस जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपको दोस्तों गेट मोर में चले जाना है। वहाँ पर गाइस आपको जो ये फोटो प्रिंट का दिख रहा होगा आपको इसको डाउनलोड कर लेनी होगी। डाउनलोड करके दोस्तों आपको यहाँ से जो पसंद फ्रेंड्स आपको आ रहा है कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से गाइस आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो ऑडियो है मैंने इसी वाले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप इस वाले वीडियो में उस वाले ऑडियो को लगा लीजिएगा। लगा लेने के बाद अब अगर अपना वीडियो को प्ले करके आप देखोगे तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो यार इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अब आपको ऊपर में ये देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है, इस वाले शेयर में क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेनी होगी।